मने सुरति होवे मनी बुद्धि। बुद्धि क्या है? मने सुरति होवे मनी बुद्धि। बुद्धि वास्तव में क्या है? एक बुद्धि तो वो है जो कीमत करती है दुनिया की चीजों की, उन्हें नाप तौल कर एक दूसरे से। बुद्धि वो ताकत जो फायदा पहुंचाए। बुद्धि मन को रास्ता दिखाने वाली मन की ही शक्ति। तो एक बुद्धि तो वो हो सकती है जो मन को रास्ता दिखाए, दुनिया के ही मध्य से कि यही सत्य है, इसी में तुम्हें जीना है, इसी में तुम्हें रहना है, लो देखो क्या कीमती है। जो कीमती है उसका चुनाव करते रहो, जो कीमती नहीं है उसको छोड़ते रहो। ये हमारी व्यवहारिक बल्कि एक प्रकार की व्यावसायिक बुद्धि है। बुद्धि चल इसमें भी रही है, निर्णय यहाँ भी हो रहे हैं, ऊंचे नीचे सही गलत अच्छे बुरे का निर्णय बिल्कुल हो रहा है, पर वो सारा निर्णय कुछ मान्यताओं के आधार पे हो रहा है। और वो मान्यताएं हैं कि पहला, सामने जो दुनिया है वही अपने आप में सच है और वही आखिरी है। दूसरा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तोलने के मेरे पास जो आधार है, जो क्राइटेरिया है, वो भी सच है, वो भी आखिरी है। तीसरा, ये बुद्धि मेरी अपनी है और मुझे पार लगा सकती है। एक बुद्धि तो ये होती है ऐसी बुद्धि वाले लोग आपको अक्सर दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठित जगहों पर ताकत के पदों पर बैठे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ निर्णय
बिल्कुल वही करे होते हैं जो ताकत अर्जित करने के लिए, जो प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए चाहिए होते हैं। उन्होंने ठीक ठीक देखा होता है कि क्या है जो मुझे सफलता दिलवाएगा, क्या है जो मुझे लक्ष्यों की ओर ले जाएगा, और क्या है जो ये सब नहीं देगा। जो ये सब नहीं देगा उसको त्याग देते हैं, जो ये सब देगा उसकी ओर एकाग्र होकर के बढ़ सकते हैं। तो बढ़िया है ये बुद्धि, क्योंकि इससे दुनिया में कमाया जा सकता है काफी कुछ। पर इस बुद्धि के साथ एक दो छोटी छोटी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि इसके द्वारा जो कुछ भी कमाया जाता है वो कमाए जाने के साथ ही अपनी कीमत खोने लग जाता है। जितना मिला होता है उससे कई कई गुना न मिले होने का भाव मन पर हावी रहता है। जितना भी मिला हो, ऐसी बुद्धि वाले मन से अगर आप पूछिए कि पा लिया, वो कहेगा हाँ पा लिया। ठीक, फिर आप और पूछिए अभी और पाना है, वो कहेगा हाँ बहुत कुछ पाना है। और उसमें अचरज की बात ये रहेगी कि उसने जितना ही पाया होगा उसे उसी की अपेक्षा 5 गुना भी और पाना है। मतलब ये है कि अगर उसने 10 इकाइयां पाई हैं तो उसे अभी 50 की और लालसा है, और अगर कहीं उसने 100 पाई हैं तो उसे अभी 500 की और लालसा है। तो विचित्र प्रकार की बुद्धि है ये। जितना आपको देती है, देती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, ये जितना आपको देती है उससे कहीं ज्यादा की प्यास बनी रहने देती है, बल्कि जगा देती है। फिर एक दूसरी बुद्धि है जिसमें मन ये तुलना नहीं करता कि एक चीज और दूसरी चीज में से ज्यादा कीमती कौन है, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में ज्यादा कीमती कौन है, एक जगह और दूसरी जगह में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। क्योंकि वो समझ चुका होता है कि वस्तु और वस्तु एक हैं, कि व्यक्ति और व्यक्ति एक हैं। वो समझ चुका होता है कि जो कुछ भी इस दुनिया का है
उसमें चुनाव करने से उसे कोई विशेष लाभ हो जाने वाला नहीं है। ठीक वैसे जैसे सपने में आप चुने कि आप रेत खाएंगे या रसगुल्ला, तो आपके निर्णय से कुछ हो जाने वाला नहीं है। आप चुन लेते हैं कि आप रेत खाएंगे तो इससे आपके मुंह में छाले नहीं पड़ जाएंगे, और अगर आप चुन लेते हैं कि आप रसगुल्ला खाएंगे तो इससे आपको रसगुल्ले की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ठीक उसी तरह से ये दूसरी बुद्धि है, इसमें आदमी अपने निर्णयों की निरर्थकता को देख लेता है। जब समझ जाता है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि किधर को भी जाऊं जा तो सपने में ही रहा हूं, तब उसके लिए एकमात्र निर्णय ये बचता है कि सपना है या जागृति। अब उसने बेहोशी में चुनाव करना बंद कर दिया है, अब उसका एकमात्र चुनाव है बेहोश न होना। उसने अस्वीकार कर दी है अपनी यह स्थिति कि रहा तो बेहोश आऊंगा, पर बेहोशी के भीतर मैं बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लूंगा, कि जैसे कोई बड़ी बुद्धिमानी से चुनाव कर रहा हो कि मरने के लिए किस ब्रांड का जहर खाना है। ठीक ऐसी होती है पहले प्रकार की बुद्धि। जैसे कोई निर्णय कर रहा हो कि कुएं में गिरना है या खाई में गिरना है, ऐसी होती है पहली प्रकार की बुद्धि। निर्णय वो जरूर करती है, खूब नापती है तोलती है, कुएं की गहराई नापेगी खाई की गहराई नापेगी, नाप लो खूब नाप लो, लेकिन जिधर को भी जाओगे कष्ट ही पाओगे। तुमने जितने भी विकल्प तलाशे हैं इनमें से कोई भी विकल्प तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सारे ही विकल्प एक ही आयाम के हैं, ये सारे ही विकल्प सपने के हैं, बेहोशी के हैं। तो चुनोगे तो तुम जरूर, बुद्धि का प्रयोग तो तुम करोगे जरूर, पर ये प्रयोग तुम्हें दुख में और गहरे दुख में ही ले जाएगा। ये बुद्धि तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारी मित्र नहीं है। जो दूसरी बुद्धि है वो मात्र एक सवाल पूछती है, जगे हो या सो रहे हो। सो रहे हो तो निर्णय लेना व्यर्थ है, क्योंकि सोते सोते जो भी निर्णय लोगे, जितनी भी बुद्धि लगाओगे, वो निर्णय तो बेहोशी का ही होगा। और अगर जगे हुए हो तब भी निर्णय लेना व्यर्थ है, क्योंकि जागृति में जिधर को भी जाओगे होश में ही जाओगे। तो यह बुद्धि निर्णेता बुद्धि होती ही नहीं, इसे रुक रुक के ठहर ठहर के सोचना पड़ता ही नहीं।
ये तो बस एक सतत जागरूकता है, ये बस ये ख्याल करती है, ध्यान रखती है कि फिसल न जाऊं। उसके अलावा इसे अन्य कोई चिंता है ही नहीं। मात्र एक प्रश्न पूछती है, फिसले तो नहीं, फिसले तो नहीं। और नहीं फिसले हो तो उसके बाद जो भी करो, निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जो पहली बुद्धि है, व्यवहारिक व्यवसायिक, उसे निर्णय लेने की बड़ी आवश्यकता है। नापना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, कोने कोने जांचना पड़ेगा, कहीं कोई भूल ना हो रही हो। दूसरी बुद्धि को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पूछना पड़ेगा, प्रस्तुत हो। भटक तो नहीं गए, फिसल तो नहीं गए, पहली बुद्धि पूछती है कि मन के भीतर क्या चल रहा है, दूसरी बुद्धि पूछती है मन स्थित कहां पर है। मन अगर सही जगह स्थित है तो उसके भीतर जो भी चल रहा होगा शुभ ही होगा। पहली बुद्धि को इस बात से कोई प्रयोजन ही नहीं है कि मन स्थित कहां है। मने सुरति होवे मनि बुद्धि, दूसरी बुद्धि मात्र सुरति ही है और यही उसका प्रश्न रहता है। याद है, भूल तो नहीं गए। याद है, भूले तो नहीं। अगर याद है तो सब ठीक है, जो करना है करो। याद है ना, याद ही होश है। याद है तो कोई गलत निर्णय तुमसे हो कर नहीं सकता। याद है तो कष्ट तुम्हें छू नहीं सकता। याद है जो दिस, तो फिर जिस दिशा जाओगे वही दिशा सही हो जाएगी तुम्हारे लिए। सुरति साधारण स्मृति नहीं है। सुरति का अर्थ है केंद्र कि वो याद जो केंद्र के पास स्थापित ही कर दे। साधारण स्मृति तो पहली बुद्धि में चलती है, वो मन के भीतर की घटना है। सुरति मन के भीतर की घटना नहीं है, प्राथमिक तौर पर नहीं है। प्राथमिक तौर पर सुरति का अर्थ है मन की सही स्थापना, कि मन पूरा पूरा अपने स्रोत, अपने केंद्र के पास स्थित है। और जब मन सही स्थान पर स्थित होता है तब उसके भीतर का माहौल अपने आप दूसरा होता है।
फिर भीतर क्या चलना है और क्या नहीं चलना है इसका निर्णय करने की, इसका तुलना करने की, नापने की, परखने की आवश्यकता बहुत बचती ही नहीं। जब भी कभी मन हमारा उलझनों में फंसा हो, जब भी कभी अपने आप को निर्णय की दुविधा में पाए, तो बस यही प्रश्न करें अपने आप से कि कहीं निर्णय इसीलिए तो नहीं करना पड़ रहा क्योंकि बेहोश हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्णय कुछ भी करूं वो निर्णय काम नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही निर्णय बेहोशी के होंगे। इस दिशा जाऊं चाहे उस दिशा जाऊं, दोनों ही दिशाएं मात्र सपने की हैं, तो कोई भी दिशा मुझे कहीं ले नहीं जा पाएगी। विचार में बुराई नहीं, पर विचार की सार्थकता मात्र तब है जब जागृति में विचार किया जाए। मन में हो खूब श्रद्धा, उसके बाद मन अगर विचार में उतरना उचित समझता है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि विचार है ही इसीलिए क्योंकि मन भटका हुआ है, मन श्रद्धा जानता नहीं, तब ये विचार क्या फायदा देगा? हाँ, ये भ्रम जरूर दे सकता है कि विचार का उपयोग करके मन को कुछ लाभ होगा। लगातार ये सांत्वना, ये भ्रम बना रहेगा कि और सोचो, इससे कुछ फायदा हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं। आप विचार को एक सस्ते विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। विचार श्रद्धा का विकल्प नहीं हो सकता। आपके मन में गहरा डर बैठा हुआ है, आप सोच सोच करके इस डर से बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि उस डर की स्थिति में याद रखिए, आप जो भी सोचेंगे वो एक डरा हुआ ही विचार होगा। डरे हुए विचार डर से बाहर आपको नहीं निकाल पाएंगे। पर जो पहले प्रकार की बुद्धि होती है वो बड़ी मायोपिक बुद्धि होती है, वो दूर तक देख नहीं पाती। वो बस इतना देख पाती है कि डर है तो सोचो, वो समझ ही नहीं पाती कि डर है क्या, डर आता कहां से है। निगाह उसकी थोड़ा सा आगे जाती नहीं है। वो सोचना जानती है, तुलना करना जानती है, और उतना ही करने में फंस के रह जाती है। भक्त के पास एक विचित्र प्रकार की बुद्धि है। जो न पंडित की बुद्धि है न व्यापारी की बुद्धि है। उसकी चाल देखने में बहुत अटपटी लगेगी। आपको लगेगा ये कैसे निर्णय कर रहा है, ये कैसे चलता है, प्रश्नों के कैसे अजीब जवाब देता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पकड़ता है, क्या छोड़ता है, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक इसीलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो दृष्टि है
वो दृष्टि भी पहले प्रकार की बुद्धि की है, ऐसी बुद्धि जो बस व्यवहार के तल की है, जो आदान प्रदान व्यवसाय जानती है। भक्त की चाल बड़ी अटपटी होती है और सतही तौर पे देखने पर यह बिल्कुल लग सकता है कि यह निर्बुद्धि है, कि ये जो हरकतें कर रहा है उसमें बुद्धि है ही नहीं। आप कहेंगे बेवकूफ आदमी है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो कुछ कर रहा है वो हमारी साधारण बुद्धि से कुछ हट करके है, पर कृपा करके उसे निर्बुद्धि न बोलें। वो जो कर रहा है वो अति बुद्धि है, बुद्धि नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बुद्धि नहीं है उसके पास, क्योंकि बुद्धि की हमारी परिभाषा ही वही है कि तोलना नापना, कि एक किलो की दो किलो, कि काला की सफेद, कि दायां की बायां। नहीं है, ये बुद्धि नहीं है उसके पास। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस बुद्धि से नीचे गिर गया है, निर्बुद्धि हो गया है। इसका अर्थ ये है कि वो अब इस बुद्धि से ऊपर उठ गया है, अति बुद्धि है उसकी, वो बुद्धि का अतिक्रमण कर गया है, आगे निकल गया है बुद्धि से, कोई और ही बुद्धि है जिसके आधार पे वो चलता है, कोई और ही तुलना है जो वो करता है, कोई और ही सवाल है जो लगातार उसके समक्ष रहता है। आपके सामने सवाल रहता है, क्या खाना है, क्या पीना है, किधर को जाना है, क्या होगा, और ऐसे हजार और प्रश्न। उसके सामने भी सवाल रहता है, पर वो सवाल सिर्फ एक है, भूल तो नहीं गया, सिर्फ एक सवाल है उसके पास, भूल तो नहीं गया। मत पूछिए कि क्या नहीं भूल गया ना, जब स्वयं अति बुद्धि ही ये नहीं कहती कि क्या नहीं भूल गया, विषय को खुल करके नहीं बताती, तो फिर हमारी साधारण बुद्धि तो क्या ही समझ पाएगी कि क्या नहीं भूल गया। तो विषय को छोड़िए, ये प्रश्न ही बचकाना है कि क्या याद रखना है। सामान्य स्मृति निश्चित रूप से कुछ याद रखती है, उसके पास याद रखने का विषय होता है। उससे पूछिए क्या याद रख रहे हो, कोई 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 घटना याद रखनी है, कोई वस्तु याद रखनी है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ याद रखना है। हाँ ठीक है, सामान्य बुद्धि विषय को याद रखती है, अति बुद्धि मात्र याद रखती है, मात्र याद, किसी की याद नहीं, मात्र याद। और जो मात्र याद है उसी को कहते हैं सुरति। वहां पर किसकी याद पूछना हास्यास्पद है। याद है, याद है, बस इतना। क्या याद है कोई सवाल ही नहीं, किसको याद है ये भी कोई सवाल नहीं। सवाल बस इतना है कि याद है, सुरति है। भटक तो नहीं गए, कहीं और तो नहीं पहुंच गए। वही होश है। अपनी इस सामान्य जागृति को होश मत समझ लीजिएगा। एक जगना वो होता है जो सोने का विपरीत होता है, वो मात्र मन की एक अवस्था है।
आप अभी सो रहे थे थोड़ी देर पहले, आप अभी जग गए हैं, इसको जगना बिल्कुल मत मान लीजिएगा। अभी कुछ हुआ नहीं जगने जैसा, अभी तो बस मन एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आ गया है। पहले एक स्वप्न चल रहा था, अब दूसरा स्वप्न चल रहा है। 2 घंटे पहले भी मन व्यस्त था, अभी भी मन व्यस्त है, कुछ बदला नहीं है, ये जगना है ही नहीं। हां, सामान्य बुद्धि यही कहेगी, ये जग गए हैं हम ना। अति बुद्धि जानती है कि जगे तब और मात्र तब जब याद रहा। वो जगना हमारे सामान्य सोने और जगने दोनों से परे है। इस जगने में, जगने के बाद भी, जो सामान्य जगना है उसमें, जगने के बाद भी आपको दिखाई संसार ही पड़ता है। जगने से पहले भी संसार दिखाई पड़ रहा था सपने में, और जगने के बाद भी संसार दिखाई पड़ रहा है अपनी तथाकथित जागृति में। उस जागृति में, वास्तविक जागृति में, लेकिन वास्तविक होश में, लेकिन संसार दिखता तो है पर आप संसार के हिस्से नहीं होते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे को देखो बिना इस कमरे का हिस्सा हुए, तो आपके लिए असंभव है। यदि आपको इस कमरे को देखना है तो किसी न किसी रूप में आपको इस कमरे का हिस्सा होना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको इस कमरे में ऐसा चाहिए जो आपको इस कमरे से जोड़े। ये हमारी साधारण जागृति है, जिसमें संसार है और आप भी संसार हैं। वास्तविक जागृति है, उसमें संसार तो है पर आप संसार नहीं हैं। आप संसार के दृष्टा मात्र हैं। क्या तो प्रश्न सिर्फ यही है कि कहीं शामिल तो नहीं हो गया। सोने का अर्थ यही होता है, शामिल हो जाना। जब आप उसी में सम्मिलित हो जाते हैं,
तब आपके लिए वही सत्य हो जाता है। और जब आप दूर होते हैं, साक्षी होते हैं, तब आपके लिए जितनी विविधताएं हैं, जितना कुछ है जो अलग अलग है, जो चुनाव मांग रहा है, जो खींच रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है, फिर वो आपके लिए एक हो जाता है और उसका नाम हो जाता है सपना, संसार। अब संसार में चुनाव बहुत अर्थहीन नहीं रह जाता कि संसार में क्या चुनाव करना है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, बहुत अर्थपूर्ण सवाल अब ये नहीं रह जाता। अब अर्थपूर्ण प्रश्न सिर्फ ये रह जाता है कि क्या संसार का चुनाव करना है। संसार में चुनाव नहीं, क्या संसार का चुनाव करना है। और याद कर रखिएगा, संसार का चुनाव करने के लिए आपको संसार बनना पड़ेगा। जगी हुई बुद्धि के पास, अति बुद्धि के पास प्रश्न बस एक है, संसार की सत्य। उसे और कोई चुनाव करना ही नहीं है, वो इतना ही पूछती है, संसार को चुनना है या सत्य में रहना है। और जो साधारण बुद्धि है उसके पास तो हजार निर्णय हैं, हजार विकल्प हैं, उसे हजार प्रश्नों का उत्तर देना है दिन रात, वो उलझी ही रहेगी। यहां हजार प्रश्न नहीं है, यहां एक ही प्रश्न है, करीब हो ना, सत्य के करीब हो ना, या उलझ गए संसार में, वही बहुत महत्वपूर्ण हो गया तुम्हारे लिए, जाकर के एक हो गए उससे, शामिल हो गए उसमें। संसार अति बुद्धि को पसंद नहीं करता, कर सकता भी नहीं है। वो उसकी हंसी उड़ाएगा, ताने मारेगा, वो कहेगा कि ये बड़ी गिरी हुई बात है, और अंदर ही अंदर संसार अति बुद्धि से खौफ खाता है। वो कहता है ये कौन सी बुद्धि है जो मुझे समूचा अस्वीकार कर देने की ताकत रखती है, ये कौन सी बुद्धि है जो मेरे सत्य होने से इनकार करती है, ये कौन सी बुद्धि है जो ये प्रश्न खड़ा करती है
कि संसार या सत्य, संसार कहता है मेरे अतिरिक्त कौन सा सत्य है, ये प्रश्न कैसा है कि संसार या सत्य। संसार की लगातार चेष्टा यही है कि आप बड़े बुद्धिमान हो जाएं। संसारी व्यक्ति आपके पास आएगा और वो आपको खूब बुद्धि देने की कोशिश करेगा, और वो जो कर रहा है उसकी दृष्टि में बिल्कुल ठीक है, वो आपका नुकसान नहीं करना चाहता, और वो बुद्धि ही दे रहा है आपको, इसमें कोई शक भी नहीं। वो समझाएगा, देखो ऐसा करो, देखो वैसा करो, देखो जिस रास्ते तुम चल रहे हो रास्ता ठीक नहीं है, ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। वो दे तो आपको बुद्धि ही रहा है, पर वो समझ नहीं रहा है कि आप निर्बुद्धि नहीं हैं। निर्बुद्धि व्यक्ति को बुद्धि देना उचित है, ये उसकी मदद है, पर जो अति बुद्धि की तरफ जा रहा हो उसे बुद्धि देना उसकी शत्रुता करने के बराबर है। अरे तुम किसे बुद्धि दे रहे हो, अब ये बुद्धि के तल से ऊपर की बात कर रहा है, तुम इसे वापस बुद्धि के तल पर खींच रहे हो, ये मदद नहीं हुई। तुम्हें लग रहा है तुम मदद कर रहे हो, ये मदद नहीं है। श्रद्धा और बुद्धि दो अलग अलग बातें नहीं हैं। वास्तविक बुद्धि श्रद्धा में ही जागृत होती है। श्रद्धाहीन बुद्धि सिर्फ कष्ट देगी। खूब बुद्धि हो सकती है आपके पास, खूब चतुराई हो सकती है आपके पास, बड़े बड़े सूक्ष्म निर्णय करते होंगे आप, छुपी छुपी बातों को खोज निकालते होंगे, बड़े विजेता होंगे, पर ये बुद्धि मन के तल पर ही रह जाएगी और मात्र संसार में ही भटकाएगी। ये जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय में यही लिखा होगा कि संसार में अब इस तरफ को जाओ और संसार में अब उस तरफ को जाओ। ये बुद्धि आपको किसी ऐसे दरवाजे तक नहीं ले जा पाएगी जो संसार से बाहर की ओर खुलता हो, तो खूब घुमाएगी, खूब भटकाएगी, ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंचाएगी संसार के भीतर, सपने के भीतर। सपने के भीतर ही आपको राजा बना देगी, सपने के भीतर ही आपको ऊंचे शिखरों पर चढ़ा देगी, सपने के भीतर ये आपको खूब सुख देगी, आप फूले नहीं समाएंगे। सपने के भीतर बस ये छोटी सी सीमा है इस बुद्धि की, खूब देगी ये आपको, खूब देगी ये आपको जब तक आप सोए हुए हैं। और विडंबना ये है, त्रासदी ये है कि फिर जिस क्षण आप जगेंगे उस क्षण आपको दिखाई देगा कि इसी बुद्धि ने आपका नाश किया। क्योंकि याद रखिए, सपना जितना मधुर होता है वो नींद को उतना गहरा कर देता है। ये बुद्धि ही जगने के बाद पता चलेगा कि कितनी बड़ी दुश्मन थी आपकी। मीठे मीठे सपने दिखाती रही, आपको सफलताओं के भ्रम देती रही, और इस कारण आप कभी उठ ना पाए। इससे भला तो है निर्बुद्धि होना।
खौफनाक सपना तो कभी कभार आपको जगा भी देता है। सपना बहुत डरावना हो जाए तो नींद खुलने की संभावना है, लेकिन जब सपना हो सफलता का, जब सपना हो सुमधुर, जब सपना हो पा लेने का, जब सपना हो कि खूब पैसा भी कमा रहे हैं और सुंदर परिवार खड़ा कर लिया है और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है और मुश्किलों को रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब सपना ये हो तो नींद खुलती ही नहीं। नींद खुलना चाह भी रही हो तो नहीं खुलती। तो जब वास्तव में जगोगे तब पाओगे कि ये बुद्धि बड़ा नाश कर रही थी। श्रद्धा ही बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्धि है। हम उसे अति बुद्धि कह रहे हैं, वही वास्तविक बुद्धि है। लेकिन संसारी मन को वो समझ में नहीं आती। संसारी मन तो उसे बुद्धि मानने को भी तैयार नहीं होता। संसारी मन बुद्धि तो उसे ही मानता है जहां चलने के तरीके तयशुदा हों, जहां निर्णयों के पीछे स्पष्ट कारण हो, ऐसे कारण जो सबको समझ में आ सके, जो सबको समझाए जा सके। भक्त के पास भी कारण होते हैं पर वो कारण किसी को समझाया जा नहीं सकता, तो उसके निर्णय अकारण लगते हैं। और सामान्य बुद्धि अकारण से बड़ा घबराती है। वो कहती है वजह बता दो, क्या कर रहे हो, इसकी कोई वजह तो दे दो। वजह आप दे नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कि वजह है नहीं, बहुत बड़ी वजह है, पर वजह बताई नहीं जा सकती। वास्तविक बुद्धि, अति बुद्धि, बेवजह बुद्धि है। वो किसी मशीन की बुद्धि नहीं है कि लॉजिक पर, एल्गोरिदम पर चलती हो। वो दूसरे ही आधारों पर निर्णय लेती है, निर्णय लेती है वो, पर उसके निर्णय कि बुनियाद बिल्कुल दूसरी होती है। वो बुनियाद क्या है ये जानने के लिए वो बुद्धि होनी चाहिए। दूसरापन रखकर और दूर खड़े होकर आप समझ नहीं पाओगे कि श्रद्धालु मन के निर्णय कहां से आते हैं। बड़े अटपटे लगेंगे, बड़े अजीब लगेंगे, मूर्खतापूर्ण लगेंगे। भक्त को तो भक्त होकर ही जाना जा सकता है। एक श्रद्धालु को तो श्रद्धालु ही समझ सकता है। अति बुद्धि की पहचान अति बुद्धि को ही होती है। तो आखिर में इतना ही, मन में चलता तो रहता ही है और हजार हजार उलझने और हजार हजार सवाल, हजार हजार चिंताएं,
हजार हजार यादें लगी ही रहती हैं मन में। ठीक है, मन का काम है चलना, प्रकृति है उसकी चलना। चले मन, याद रखे मन, पर हजार बातों को नहीं, एक बात को। मन से कहिए तुझे याद ही रखना है ना, तू एक को याद रख। तो ये सवाल ही पूछने हैं ना, तू एक सवाल पूछ। तुझे चिंता ही करनी है ना, तू एक की चिंता कर। एक चिंता कर ले, बाकी चिंताएं तिरोहित हो जाएंगी। एक सवाल पूछ ले, हजार उत्तर मिल जाएंगे। जिसने एक की फिक्र कर ली, उसे अब इसीलिए तो अति बुद्धि है ना, एक की फिक्र करती है। हजार सवालों की जगह एक सवाल, ये असली होशियारी हुई कि नहीं हुई? तुम उलझे हो हजार सवालों में, हमने कुंजी पकड़ ली है। हम तो एक पूछते हैं, हजार से हमें मतलब नहीं। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा था कि विश्वास और श्रद्धा में क्या अंतर है। अब तक समझ ही गए होगे, विश्वास वस्तु और वस्तु में भेद है। इसका यकीन करूं कि ना करूं, उसका यकीन करूं कि ना करूं। श्रद्धा वस्तु से वस्तु की तुलना है ही नहीं, वो तो बस ये देखती है कि सत्य है या संसार है, उसके सामने प्रश्न ही दूसरा है। फिर तुमने पूछा कि क्या श्रद्धा के लिए विश्वास आवश्यक है, श्रद्धा और विश्वास में कोई संबंध है कि नहीं है? वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं है। विश्वास श्रद्धा तक जाने का रास्ता नहीं बन सकता। हां, यह जरूर है कि श्रद्धालु मन अविश्वासी रहता नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो विश्वासी हो जाता है, पर वो अविश्वासी नहीं रहता। श्रद्धालु मन को न विश्वास से मतलब होता है, न अविश्वास से मतलब होता है। विश्वास का मतलब होता है कि हां, ये आदमी जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा, ये जो चीज है ये बढ़िया ही होगी। अरे क्या वस्तु और क्या व्यक्ति, जब ना वस्तु है ना व्यक्ति है, तो किस पर करना है विश्वास और किस पर करना है अविश्वास? श्रद्धा एक दूसरा आयाम है, वो विश्वास नहीं है, वो एक तल ही दूसरा है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि श्रद्धालु आदमी को अविश्वासी नहीं पाओगे, ये पक्का है। वो संदेहों में घिरा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। शक नहीं करेगा वो बहुत, पर इसका अर्थ ये भी न मत समझ लेना कि वो विश्वास कर रहा होगा। वो विश्वास नहीं कर रहा है, उसकी जिंदगी में संदेह नहीं है। पर मूर्खतापूर्ण भ्रांतियां भी नहीं है। उसे ना विश्वास से मतलब है, ना अंधविश्वास से मतलब है, ना मान्यता से मतलब है, ना धारणा से मतलब है। ना वो संसार पे शक करता है, ना वो संसार को सत्य ही मान लेता है। अरे सपने में क्या शक करना, सपना क्या है? सपना है, उस पर शक क्या करना है? आपके सपने में एक अनजाना चरित्र आता है, और आप साक्षी हो सपने के, आप सपने में भी जगे हुए हो, आप उस चरित्र पर शक करोगे क्या? याद रखना, आप सपने के पात्र नहीं हो, आप अलग हट के खड़े हो, आप शामिल नहीं हो सपने में,
सपना चल रहा है अपनी जगह, उसमें आपके नाम का भी कोई चरित्र हो सकता है अपनी जगह, पर आप अलग खड़े हो, आप दृष्टा हो सपने के। आप जो दृष्टा हो, जो साक्षी हो, क्या आप अपना साक्षीत्व रखते हुए उस व्यक्ति पर शक करोगे ये असली आदमी है कि नहीं? करोगे क्या? आप जान रहे हो सपना है, अरे सपने पे क्या शक करना है? इसका ये नहीं अर्थ है कि सपने पे यकीन कर लिया है, न शक है न यकीन है, मात्र सपना है। तो ये संबंध है विश्वास में और श्रद्धा में। ये सवाल बार बार इसलिए उठता है क्योंकि ठीक है, जैसे आपने कहा कि एक को साधे दो, एक एक साधे सब, साधे सब साधे सब है। जब भी हम ये क्वेश्चन उठा रहे हैं तो हम श्रद्धा की साइड से देखते हैं, श्रद्धा से विश्वास की तरफ देखते हैं, तब तो समझ जाता है ठीक है हम विश्वास वाले लेवल पे, श्रद्धा का भी ज्ञान है नहीं। उस एक को जब अगर एक साथ लो तो एक बस, मतलब अभी एक विचार की तरह ही है हमारे में। होता ये है कि जैसे भी आप बोल रहे हैं तो नो डाउट अभी कैलकुलेशंस कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है माइंड, लेकिन समवेयर कहीं कुछ स्ट्राइक भी कर रहा है ठीक है, और बाद में फिर लगता है कि हाँ आ गई, लेकिन फिर वही वही ढाके तीन बार फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं। इस तरफ से हम समझ रहे हैं तो श्रद्धा की तरफ समझ रहे हैं तो हो जाता है, लेकिन विश्वास की तरफ से देखो, सपने के भीतर से कोई रास्ता जागृति की ओर नहीं जाता। कोई कहे कि मैं सपने में हूं, कोई रास्ता बताओ कि मैं सपने के भीतर से जग जाऊं, सपने के भीतर से तुम जग नहीं सकते। तुम अगर ये चाहते हो कि विश्वास श्रद्धा तक पहुंचने का मार्ग बन जाए तो ये हो नहीं सकता। तरीका बस एक है कि तुम विश्वास अविश्वास दोनों से हट जाओ। तरीका बस एक है कि सपना टूट ही जाए। जब तुम कहते हो कि सपने के भीतर से जगने का रास्ता बताओ तो हकीकत में तुम चाहते ये हो कि सपना टूटे ना। तुम चाहते हो कि दोनों हाथ लड्डू मिला ही रहे, कि सपना भी कायम रहे और सपने के मध्य से सत्य तक भी पहुंच जाऊं। वो हो नहीं सकता। प्रश्न में ही भूल है जब तुम कह रहे हो कि हम इस तल पे हैं कि वहां तो बिलीफ ही है, यकीन ही है, विश्वास ही है। उस तल पर हो नहीं, उस तल पर कुछ स्वार्थ खोज लिए हैं, उस तल पर कुछ ऐसा लगने लग गया है जो बड़ा आकर्षित करता है। जगने का एकमात्र तरीका है जगना। एक बार हिम्मत करके, जग करके देखो तो फिर शायद अपने आप फिसलना मुश्किल हो जाए। तो अगर तुम पूछो कि उस तल पर कैसे जाएं, तो मैं एक ही जवाब दूंगा, उस तल पर जा करके। तुम पूछो कैसे न फिसलें, मैं कहूंगा न फिसल करके। और इसको सिर्फ शब्दों का खेल मत समझ लेना, समझो इस बात को। जितनी बार नहीं फिसलोगे उतनी ज्यादा ताकत पाते जाओगे न फिसलने की। तो न फिसल करके तुम और न फिसलने की तैयारी करते हो। जितनी बार गहरे ध्यान में जाते हो तुम उतनी बार अपने आप को और सामर्थ्य देते हो और गहरे ध्यान में जाने की। तो मैं शब्दों से ही नहीं खेल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। तो
तुम एक बार हिम्मत बांधो, श्रद्धा बांधो कि नहीं फिसलना है, तुम्हारा संकल्प तुम्हारा साथ देगा कुछ समय तक, फिर हो सकता है फिसल जाओगे, पर इस संकल्प के कारण तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जागृत हो जाता है जो अगली बार अब आसानी से फिसलने नहीं देगा। वो अभी है, संकल्प तो विश्वास से ही हो ना, वो अभी है, अभी मुझे सुन रहे हो तो इसमें विश्वास की क्या जरूरत है, अभी सुन रहे हो यदि तो विश्वास की क्या जरूरत है। लेकिन एक चीज ये है, जैसे शक्ति की जो उपासना की जाती है उसमें बार बार आता है श्रद्धा विश्वास और विग्रह, श्रद्धा और विश्वास दोनों का रूप कैसे संभव है। देखिए जब कहा जाए श्रद्धा तो समझ लीजिए उस तल की बात, जब कहा जाए विश्वास तो समझ लीजिए कि उसके साथ एक शब्द अभी छुपा हुआ है अविश्वास। जैसे हम कह रहे थे सुख दुख जीवन मृत्यु, वैसे ही विश्वास अविश्वास, बिना अविश्वास के विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास तो एक मानसिक कृत्य है, तो जब कहा जा रहा है कि श्रद्धा भी विश्वास भी, तो मात्र इतना कहा जा रहा है सत्य भी संसार भी, मात्र इतना ही कहा जा रहा है कि केंद्र भी और परिधि भी, मात्र इतना ही कहा जा रहा है कि अप्रकट भी और प्रकट भी। समझ में आ रही ना बात, सपना तो रहेगा, हमने ये नहीं कहा कि संसार को नष्ट कर दो, हमने कहा संसार रहे, वस्तुएं रहे, व्यक्तियां व्यक्ति रहे, तुम अपने आप को उसमें शामिल नहीं मानो, तुम्हारे नाम का एक चरित्र होगा उस संसार में, ठीक, तुम उससे लेकिन बाहर हो, तुम्हारा संसार से बाहर होना श्रद्धा है, तुम्हारा संसार से भीतर होना विश्वास अविश्वास का खेल है, दोनों एक साथ चलते रहेंगे, दोनों एक साथ चलते रहेंगे। समझ में आ रही है बात सर? जैसे अब तब कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ था तो फिर मैं एक विश्वास ही बताना कि हाँ भाई जो बात हो रही है अब मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन मुझे सही लग रही है, मुझे थोड़ा विश्वास है कि हाँ। क्यों होगा वो विश्वास? क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा उस टाइम पे जैसे एजुकेशन को देख के थोड़ा विश्वास हो रहा था कि क्या है। तुम्हारे साथ और 40 लोग थे, उनको भी होना चाहिए, उन्हें क्यों नहीं हो रहा? अगर विश्वास है तो विश्वास तो कारणों पर चलता है, कारणों का प्रभाव कम या ज्यादा सभी पर दिखाई देना चाहिए, उनको क्यों नहीं हो रहा था? विश्वास तो पूर्व के अनुभवों पर 10 और कारणों पर चलता है, उनको भी होना चाहिए था ना। तुम्हारा और उनका इतिहास कई मामलों में बड़ा एक सा है, फिर इतना अंतर कैसे कि तुम्हें सहज ही विश्वास हो गया, औरों को गहरा अविश्वास हो गया? आपने बात बोली कि उनका सपना मधुरता की उनकी नींद और गहरी हो गई, न विश्वास न अविश्वास, ये बहुत गहरी भूल हो जाएगी अगर श्रद्धा को विश्वास से जोड़ लिया। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि यकीन करते रहते हैं। मैं फिर कहूंगा, आप श्रद्धालु आदमी को बहुत शंकाग्रस्त नहीं पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो विश्वासों में जीता है,
वो संदेहों में नहीं जीता, ये बात बिल्कुल ठीक है, उसे आप शक की नहीं पाएंगे, पर वो ऐसा भी नहीं है कि जो सुना मान लिया, ऐसा भी नहीं है। वो आयाम दूसरा है, वो मन की स्थिति दूसरी है। वो सवाल दूसरा है, वो सवाल ही नहीं है कि विश्वास करूं कि अविश्वास करूं, वो सवाल है जगा हूं कि नहीं जगा हूं। श्रद्धा कभी ये सवाल पूछती नहीं कि मानूं कि ना मानूं। तुम यहां बैठे हो, अगर तुम्हारे सामने अभी विश्वास का प्रश्न है, तुम अगर अभी विश्वास के तल पर ही हो, ध्यान में उतरे नहीं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो तुम अपने आप से सवाल करोगे मानूं या ना मानूं। पर अगर तुम श्रद्धा के तल पर हो तो तुम्हारा सवाल बदलेगा, तब तुम सवाल करोगे जगा हूं या सो रहा हूं। और यही सवाल सारा अंतर ला देता है। तुम में से जो लोग यहां बैठ करके ये सवाल पूछते हैं कि मानूं या ना मानूं, सुन तो रहा हूं, मानूं या ना मानूं, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, बिल्कुल कुछ मिलेगा नहीं। उन्हें हद से हद कुछ शब्द मिल जाएंगे। और जो व्यक्ति यहां बैठ करके एक ही सवाल की सूरत में हो लगातार कि जगा हूं, कहीं सो तो नहीं गया, जगा हूं या नहीं जगा हूं, उसको अब यह विचार करने की जरूरत ही नहीं है कि मानूं या ना मानूं, तुम्हारा जगा होना काफी है। ना तुम्हें मानना है ना तुम्हें ठुकराना है। ना ये कह रहा हूं कि मान लो, ना ये कह रहा हूं कि छोड़ दो, ठुकरा दो। न मान्यता न अमान्यता, श्रद्धा चीज दूसरी है, उसका सवाल दूसरा है। ये उसकी कंसर्न है ही नहीं कि ये ठीक है कि नहीं। वो वस्तु को नहीं पूछती कि ये वस्तु ठीक है कि नहीं, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं पूछती कि वो व्यक्ति ठीक है कि नहीं, वो सुने जा रहे शब्दों को नहीं पूछती कि ये विश्वास योग्य है कि नहीं। वो मात्र अपनी ओर देखती है कि जगा हूं या नहीं, उसका सवाल दूसरा है। अंतर को समझो। जगा हूं या नहीं, उसके बाद उसको ये सवाल करना ही नहीं है कि विश्वास करूं या नहीं, बस इतना जगा हूं या नहीं। ये निरंतर जागरण ही सुरति है और कुछ नहीं है। सुरति नाम जपना किसी का सुरति नहीं है, निरंतर सतत जागृत रहना ही सुरति है। यही श्रद्धा का एकमात्र सवाल है। समझ पा रहे हो? जगा हुआ मन है तो थोड़ी पूछे कि जगा हूं। जब ये प्रश्न ही ना उठे कि जगा हूं या नहीं तो बहुत बढ़िया, पर जब प्रश्न उठे तो बस यही उठे। उठ ही नहीं रहा प्रश्न तो फिर तो वैसे भी या तो बड़े आनंद की बात है या बड़ी विवशता की बात है। या तो समाधिस्थ हो या स्वप्न में खोए हुए हो, इन्हीं दोनों स्थितियों में प्रश्न उठता नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, छोड़ो उसको। पर जब प्रश्न उठे तो ये उठे जगा हूं या नहीं, ये नहीं कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं, इसकी बात मानूं या नहीं,
इस पर विश्वास करूं या अविश्वास, ये प्रश्न महत्वहीन है। ये प्रश्न नहीं है, बातों पे अविश्वास, व्यक्ति पे तो वो चीज नहीं है, ये फिर पूछेगा इंसान उसी व्यक्ति से। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम किसी पे गहरा अविश्वास करके उससे खूब सवाल पूछ सकते हो। जैसे मैं अभी जगा हूँ या नहीं, अभी अभी, अभी दिमाग में अभी आया, ये क्वेश्चन जब आया उस समय शायद उस समय ब्रेक हुआ होगा कुछ, होगा उस समय, उस समय आप पूछ भी लो तो अगर सोया हुआ मैंने तो जवाब भी देगा हाँ ना। जगा हूं या नहीं, इसका इतनी जल्दी जवाब बेईमानी का आएगा नहीं। और यदि बेईमानी के जवाब मन देने ही लग गया है तो इशारा समझना इसका अर्थ ये है कि अब मन की बेईमानी की खूब आदत हुई है, अभ्यास की दिलाया है तुमने उसे खूब। लेकिन वहां पर भी फिर समाधान वही है कि कम फिसल करके और कम फिसलने की संभावना बढ़ती है। मन बेईमान होगा, झूठा उत्तर देगा, तुम 10 बार पूछो कब तक झूठा उत्तर देगा, हमने क्या कहा, जागृति क्या है, निरंतर जागरण, तो ये प्रश्न भी निरंतर हो, एक बार नहीं 100 बार। कोई तुमसे झूठ बोल रहा है, उससे जब 100 बार पूछोगे, 100 बार झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होगा। अभी तुम अपने मन से पूछ सकते हो तू जगा है या नहीं, और हो सकता है मन तुम्हें धोखा दे दे, बेईमानी कर दे, झूठ बोल दे कि जगा हुआ हूं। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में यही मन कलप रहा होगा और कष्ट में होगा, तो फिर पूछो इससे जगा है या नहीं, तब किस मुंह से वही मन तुमसे झूठ बोलेगा। उसके थोड़ी देर बाद मन को फिर तुम पाओगे किसी और स्थिति में घिरा हुआ, फिर उससे पूछो जगा है या नहीं। और जितना बेईमान होगा मन, याद रखना, वो उतनी दुर्दशा में घिरा हुआ होगा, उतनी ही बार दुर्दशा में घिरा हुआ होगा, तो तुम्हें खूब अवसर मिलेंगे उससे पूछने के जगह है या नहीं। जितना बेईमान मन होगा उतनी बार फिसलेगा, उतनी बार चोट खाएगा, हर बार पूछो जगह है या नहीं, देखते हैं कितनी धूर्तता करता है, देखते हैं कितनी ठसक है उसमें, कब तक बोलेगा कि हां जगह हुआ हूं। कि जैसे कोई शराबी जिसने खूब पी रखी है और तुम उससे पूछ रहे हो पी रखी है कि नहीं, वो बोल रहा है नहीं पी रखी है, और तभी सामने पत्थर आता धड़ाम से गिरता है, तुम पूछते हो पी रखी है कि नहीं, अब थोड़ा लजा जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं पी नहीं रखी है, 2 कदम और चढ़ेगा बगल की नाली में गिरेगा, मुंह काला करके बाहर आया, तुमने फिर पूछा पी रखी है कि नहीं, वो बड़े धीरे से फुसफुसाएगा नहीं पी तो नहीं रखी है, फिर आगे बढ़ेगा, सामने से सांड आ रहा है, जाके उससे ठोकर खा के उसके सामने चित्त लेटा पड़ा है, फिर पूछो पी रखी है कि नहीं, अब खड़ा है सांड और मार ही देगा, अब किस मुंह से बोलेगा कि नहीं पी रखी है, बोलेगा हां चढ़ी हुई है बस, ठीक ठीक जगह हुआ मन भी तो होगा पूछने वाला, वो है ना, वो अभी है, वो अकारण है, तुम अकारण को तलाश रहे हो, वो अभी है, तुम अकारण का कारण जानना चाहते हो, तुम अकारण को पकड़ना चाहते हो, वो अभी है, वो प्रस्तुत तो है, वो है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, अभी है ना, अभी है, अभी जान रहे हो खत्म हो जा रहा है, अभी जान भी रहे हो कि खत्म हो जाता है, तो अभी करो ना उपाय कि ना हो खत्म, अभी में सब कुछ है, जो कुछ है वो अभी है ना,
अभी होश है तो अभी करो उपाय, क्यों भविष्य की सोच रहे हो आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। अभी मिल गया ना मौका, और सारे मौके अभी ही हैं, तो करो इस मौके का सदुपयोग करो। ठीक इसीलिए वो जिंदगी में उतर नहीं सकती, कभी उतरेगी भी नहीं, क्योंकि तुम मुझे भी विश्वास अविश्वास की नजरों से देख रहे हो। जब तुम कहते हो कि सर कह रहे हैं इसलिए विश्वास कर लो, तो तुमने सर को व्यक्ति बना दिया और तुम एक व्यक्ति पर विश्वास करते हो। और 100 दफे कह चुका हूं मुझ पर विश्वास मत करो। मैं अगर अपना शरीर बदल करके और अपना चेहरा बदल करके और अपनी आवाज बदल करके अगर तुम्हारे सामने बैठ जाऊं और ठीक यही बातें बोलूं, तो फिर तो तुम विश्वास कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम किस पर विश्वास कर रहे हो। तुम एक शरीर पर विश्वास कर रहे हो, शरीर बदल गया, आवाज बदल गई, तुम्हारा विश्वास बदल जाएगा, उड़ जाएगा, तो फिर कैसे उतरेगा जिंदगी में। तुमको यहां सिर्फ एक शरीर दिखाई देता है। विश्वास या तो व्यक्ति पर होता है या वस्तु पर होता है। बोलने वाला ना व्यक्ति है ना वस्तु है। इसीलिए फंसते हो ना। लेकिन जैसे होता है कि पहले तो कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं आइडिया नहीं था, फिर कुछ कुछ बातें जो स्टार्टिंग में पता चली उसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ ये तो मैंने देखा है कि जिंदगी अभी चलती है, ये फ्यूचर और पास्ट का जो भी आप बोलते हो सही नहीं है। लेकिन जब आप बहुत सारी बातें करते हैं, अब उनमें तो जब तक मैं कंसर्न हूँ मैं तो उसमें मुझे लगता भी नहीं कि उनके आस पास भी बहुत सारी बातों में तो सत्य की बातें करते हैं। तो फिर जो बातें जिन पर मैंने अपने आप में देखा है कि हाँ भाई ये तो है ही, उसकी वजह से आप पर विश्वास है कि हाँ भाई आपने जो पहले बात बोली तो मैंने खुद देखा कि मेरी ज़िंदगी में उतर रही है, तो मुझे विश्वास हो गया। अब जो आप बातें बोल रहे हैं जो मैंने नहीं देखी है, देखो शुभंकर मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इन सब का तोड़ तुम्हें कभी ना कभी मिल जाएगा। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उनमें से कोई ऐसी नहीं है जो एब्सोल्यूटली सही है। तुम अगर खूब जुगाड़ लगाओगे तो तुम्हें मेरे हर वाक्य में कहीं ना कहीं खोट मिल जाएगी। इन रिकॉर्डिंग्स को तुम लेकर के जाओ किसी मनोचिकित्सक के पास, किसी दर्शन शास्त्री के पास, किसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के किसी एचओडी के पास, या किसी धर्म गुरु के पास ले जाओ, वो इनमें हो सकता है खोट निकाल दे। कुछ तथ्य ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो तुम अगर ये कह रहे हो कि तुम इसलिए सुन पाते हो मुझे क्योंकि मेरी बातें तुम्हें अभी ठीक लग रही हैं, तो याद रखना जल्दी ही मेरी बातें तुम्हें गलत भी लगेंगी, क्योंकि उनमें खोट तो है ही। तुम अगर अभी बातों से ही उलझे हुए हो तो जल्दी ही तुम्हें मुझसे निराशा होने लगेगी। तुम कहोगे नहीं 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 मैं बच्चा था तो मुझे शुरू शुरू में लगा इनकी बातें ठीक हैं, पर अभी मुझे ये नया अनुभव हुआ है, जिंदगी ने एक नया रंग दिखाया है और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी बातों में यहां पर ये कमी थी। बातें कब पूरी होती हैं, बातों में क्या दम कि वो पूर्णता हासिल कर लें, बातों में तो हमेशा खोट रहेगी।
यहां अगर तुम इस दृष्टि से बैठते हो कि इनकी बात सुनो और अगर वो अपने अनुभव से मेल खाती है तो उस पर विश्वास कर लो, तो तुम जल्दी ही धोखा खाओगे। और धोखा खाकर भी तुम ये ना कहोगे मैंने धोखा खाया, तुम कहोगे इन्होंने धोखा दिया। यहां बैठ करके मैं तुम्हें बातें नहीं दे रहा हूं कि तुम यहां पर आते हो हर रविवार को कि मैं तुम्हें तरह तरह की बातें बताऊं। हम बतौड़े लोग हैं क्या कि बातों में व्यापार चल रहा है? यहां तुम अगर आ रहे हो तो वो इसलिए है ताकि कुछ उपाय हो सके कि मन को इधर से उधर से ढकेल करके किसी प्रकार मौन की ओर ले जाया जा सके, जो एकमात्र सम्यक आसन है उसका। मेरी रुचि इसमें है ही नहीं कि मैं तुम्हें सही सही बातें बताऊं, क्योंकि सही बात कोई होती भी नहीं है। ऊंची से ऊंची बात आखिरकार बात ही तो है, और बात की क्या औकात, कितनी भी ऊंची उड़ ले बात क्या रहेगी, बस बात। मेरी रुचि है मन के उपचार में कि इधर से धक्का दो, उधर से धकेलो, इधर से दबाओ, उधर से थोड़ा तोड़ो, कि वो शांति की ओर जा सके, मौन की ओर जा सके। अच्छा किया तुमने ये बोल दिया कि तुम मेरी बातों को सुन सुन के उनका अनुभवों से मिलान कर रहे थे, फिर तो तुम निराशा की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन तुम आते और कहते कि सर आप तो बड़ा कपट करते हैं, आपने फलानी बात बोली थी पर वो तो ठीक नहीं थी, आपने फलाना तथ्य उद्धृत किया था, हमने इंटरनेट पर खोजा जांच की और पाया कि आपने कहा था 16% और तथ्य है 25%। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर न मेरी 16% में रुचि है न 25% में रुचि है, मेरी तुम्हारे उपचार में रुचि है। अगर 16 का 25 करके तुम्हारा उपचार होता है तो जरूर होना चाहिए। अनुभवों से मिलान मत करना। जो आपने बोला मन की शांति कि तो कॉलेज में था तो दिमाग एकदम ही भसड़ से भरा हुआ, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, बस टेंशन ही टेंशन ही टेंशन। फिर खुद तब देखा, खुद टेंशन में जाने की कोशिश करी कि हाँ भाई उसमें जाना, तो शांति आने लग गई। तो उस शांति से थोड़ा विश्वास आया कि हाँ भाई बेकार की बातें, मतलब मैं आप वही जो आपने बोला कि बात नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो चीज़ है कि आपको लगता है कि हाँ भाई जहन में बैठ रही है, लेकिन फिर एक तल, जैसे बहुत सारे तल होते हैं उसमें आप इस तल की बात कर रहे हैं, मैं इस तल पर हूँ तो मैं उस तल की चाहे की तल कर लूँ, वो दिमाग कंसेप्ट। तुम इस तल पर हो नहीं, 100 बार कह रहा हूँ, अभी मुझसे जब बात कर रहे हो ये क्षण ही एकमात्र सत्य है। कहाँ हो, किस शुभांकर की बात कर रहे हो, जो कॉलेज में होता है, जो मौजूद है, यही शुभांकर एकमात्र सत्य है। वो कहां है, यहां है, इस तल पर, नीचे वाले या ऊपर वाले, तुम कौन हो? तुम अपने मन में बैठी हुई अपनी छवि, अपनी ही, अपने ही प्रति अपनी स्मृति हो, या तुम वो हो जो हो अभी? तो फिर किस तल की बात कर रहे हो, तुम किन कल्पनाओं में खोए हुए हो? अभी पूरी तरह हो जाओ मौजूद, अभी पूरी तरह जग जाओ, बस ये काफी है, तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जितना अभी जगे हुए रहोगे तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा संभावना रहेगी भविष्य में भी जगे रहने की। पर अभी जगने का अर्थ ही होगा भविष्य में शामिल ना होना। भविष्य क्या है? मन की हलचल,
हम शामिल नहीं हैं उसमें, अभी जरा उससे दूर खड़े हो जाओ, दृष्टा बन जाओ उसके। जो लोग बार बार कहते हैं कि इस कमरे में तो ध्यान लग जाता है पर इसके बाहर नहीं लगता, तो क्या विधि अपनाएं बाहर की ध्यान लगा रहे? मैं कहता हूं उनसे बार बार, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस कमरे में ध्यान गहरा करो। बाहर तुम फिसलते ही इस कारण हो क्योंकि जब तक यहां हो तब तक भी ध्यान में नहीं थे। जो यहां गहरे ध्यान में चला गया उसके बाहर फिसलने की संभावना अब न्यूनतर होती जाएगी। तुम बाहर समस्या देख रहे हो, समस्या बाहर नहीं है, समस्या अभी है, यहां है। जनरली तो हम जैसे द्वैत में जीते हैं कि विश्वास अविश्वास में, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है, अब वो सेल्फ डिसेप्शन भी हो सकता है कि श्रद्धा आ रही है क्योंकि वो बड़ी स्टेबल वाली कंडीशन होती है, तो ये वो श्रद्धा है या केवल विश्वास ही है? मेरे उत्तर को पे क्या करोगे, विश्वास कर लोगे? न श्रद्धा भी हो सकती है, विश्वास भी हो सकता है, तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम्हारा मन कैसा है। श्रद्धा का और विश्वास का किसी और से क्या लेना देना, तुम्हारे मन के ऊपर है। फिर पूछो कि एक व्यक्ति यहां बैठता है वो कैसे मौन की तरफ बहने लगता है और दूसरे व्यक्ति में अभी भी हलचल क्यों मची रहती है? तो उसका फिर एक ही उत्तर है, प्रार्थना नहीं करी होगी तुमने, समर्पित हो नहीं तुम। श्रद्धा तो क्या अर्जित करोगे, वो तो प्रसाद होती है। 100 बार बैठो, 100 यत्न कर लो, 100 व्याख्यान सुन लो, अगर लाभ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिना प्रार्थना किए बैठ जाते हो। बिना प्रार्थना किए विश्वास तो कर सकते हो, श्रद्धा का फल नहीं पाओगे। प्रार्थी हुए बिना जो बैठ गया अभी वो यही सोच रहा है कि मुझे करना है, विश्वास तुम्हारा होता है, श्रद्धा थोड़ी तुम्हारी होती है। पर तुम सवाल भी ऐसे ही कर रहे हो, श्रद्धा करें कि विश्वास करें? हाँ, विश्वास कर सकते हो, जैसे हथौड़ा चला सकते हो, जैसे जॉगिंग कर सकते हो, ऐसे ही विश्वास कर सकते हो। श्रद्धा कैसे करोगे, करके दिखाओ। श्रद्धा कैसे करते हो, हाथ से करते हो, पांव से करते हो, सोच सोच के करते हो, जोड़ जोड़ के करते हो, घटा घटा के करते हो, कैसे करते हो श्रद्धा, करके दिखाओ। आई एम श्रद्धाइंग, कैसे की जाती है? पाई जाती है। अपने आप को ही अनुमति देकर के कि सर झुके, प्रार्थना में झुके, समर्पण में कटे, जब अपने आप को तुम ही अनुमति देते हो कि खड़े हो जाओ और कह दो कि ऐसे तो बस हार ही हार है, जीवन हारों की श्रृंखला भर है,
उस क्षण वो जमीन तैयार होती है जिस पर श्रद्धा का फल लग सकता है, उस क्षण वो कान तैयार होते हैं जो मौन को सुन सकते हैं। नहीं तो फिर तो शब्दों को सुनते रहो, तौलते रहो, जांचते रहो। एक बात भूलना नहीं, निर्णय तो तुम्हारा ही है। इस चक्कर में मत रहना कि कोई गुरु उरु या कुछ और कोई आकर के कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। कृष्णमूर्ति बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई गुरु नहीं। गुरु है भी तो वो बड़ा बेचारा होता है। आखिरी और पहली दोनों अनुमति तो तुम्हें देनी है। कौन गुरु, कैसा गुरु, जरूरत ही नहीं, छोड़ो। अनुमति तो तुम्हें देनी है ना। गुरु खटखटा भी सकता है तो दरवाजा कौन खोलेगा, तुम ही तो खोलोगे। सर झुक सके ये अनुमति तुम्हें देनी है। राजा तुम हो, स्वतंत्रता तुम्हारी है। तुम उत्सुक नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो, तुम्हारा अभी मन है और तलवार चलाने का, तो फिर हो गया। कोई ये कहा ही ना करे कि हम इस तल पे हैं, उस तल पे हैं, हम तो अभी बच्चे हैं। इन सारी बातों से बेईमानी की बू आती है। तुम किसी तल वल पर हो नहीं, तुम उस तल पर बैठे रहना चाहते हो। तुम अपने आप को अनुमति ही नहीं दे रहे हो उस तल से कहीं और होने की। कोई कहे देखिए आप वहां से बात करते हैं, हम जमीन में बैठ के सुनते हैं। ना मैं आसमान में हूं ना तुम जमीन में हो, हम दोनों बस अपनी अपनी इच्छित जगह पर हैं। मुझे जहां की इच्छा है मैं वहां हूं, तुम्हें जहां की इच्छा है तुम वहां हो। तो बेचारगी का ढोंग ना करो। मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो पजामा बांधना भी नहीं आता, मैं तो लल्लू हूं। लल्लू पल्लू कुछ नहीं हो, चालाक हो। ये अलग बात है कि चालाकी लल्लूपन है। पर हो तुम चालाक, कितना अच्छा तरीका मिलता है। सर आप तो वहां पर हैं, हम तो यहां पर हैं, पता नहीं कहां हूं, मुझे तो नहीं पता, तुम्हारे सामने हूं। चढ़ा दो बिल्कुल चने के झाड़ पे और उसके बाद खुद अब मुक्त हैं, पार्टी करते हैं। स्वामी जी को आश्रम छोड़ाओ, उसके बाद हम पार्टी करते हैं। घरों में देखा है ना, स्वामी जी पधारे हैं, उनको तो आश्रम छोड़ो, आप महान हैं, आप तो खजूर के पेड़ के ऊपर रहेंगे, वहां जाइए, वो आपकी जगह है, आप इतने ऊंचे हैं, तो उनको आश्रम छोड़ करके आओ और उसके बाद आओ जरा आप घर में। ये है तुम्हारी साजिश। तुम क्या पार्टी करोगे, पार्टी हम करते हैं। तुम सोच रहे हो हमें आश्रम छोड़ करके आओगे। पांडे जी, ईमानदारी पहली और आखिरी चीज है। सवाल जवाब से कुछ नहीं होता।
आखिरी निर्णेता तो आप ही हैं, पहले भी आप ही हैं, आप खूब जानते हैं, असली बात आपको ही पता है, आपसे ज्यादा मुझे कैसे पता हो सकती है। और बड़ी बातें कोई होती नहीं है कि 500 करोड़ के घपले में ईमानदारी दिखा दी, जिंदगी तो छोटी बातों पर ही चलती है, छोटे छोटे क्षण। घूम फिर करके जितनी बातें हैं वो आपकी हैं, आपके लिए हैं, आपका जीवन है, आपके निर्णय हैं, सब कुछ आपका है, मन आपका, जीवन आपका। आपकी आंतरिक ईमानदारी के अलावा कुछ और नहीं है जो आपकी मदद कर सकता हो। वो जो आंतरिक ईमानदारी है ना, वही आंतरिक गुरु होता है, उसी का नाम आत्मा है। उसको पा लिया तो सब ठीक है, नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं। तो जिसके पास वो ईमानदारी नहीं, वो बेकार ही जीवन, व्यर्थ। दूसरे के सामने स्वांग करते रहो कि हम बड़े साफ हैं, कि सीधे हैं, कि ऐसे हैं, कि वैसे हैं, दिल जानता है तुम्हारा, सब जानता है, बड़े मुमुक्षु हैं। मन अच्छे से जानता है, प्लेन एंड सिंपल ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी इन स्मॉल थिंग्स, बिकॉज देयर आर नो बिग थिंग्स, देयर आर ओनली स्मॉल मोमेंट्स एंड स्मॉल इवेंट्स। हम इतने बेईमान हैं अपने प्रति, इतना झूठ बोलते हैं अपने से ही कि हैरत होती है कि हमसे बड़ा हमारा और कोई दुश्मन है क्या। जितना झूठ हम किसी से नहीं बोलते, उससे ज्यादा झूठ हम अपने आप से बोलते हैं। मन से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है मन का। और फिर हमें चाहिए मोक्ष।